आज तो
मार्च करने के बाद असेंबली ने मार्च पूरा करना दसा
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾ ਘਰੌਣਾ ਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾ ਇਸ਼ਾਰ ਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪਰ ਸਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੇ ਮਰਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਵਾਮੀ ਅਕੂਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਟੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੇਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਦੀ ਮਰਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜੱਜ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਏਸੀ ਡੀਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਰਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਰਸ ਕੋਸ ਕੋਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਰਿਆਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਪਰ ਖਰਚ ਹੋਸੀ ਇਹ ਬਤਨਮਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਬਾਣਾ ਇਸਾ मतलब जवाब दसो नारा लाने जवाब दसो तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कनेर से लेकर ब्लॉक तक तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को मैं हमेशा यही कहता था कि ये तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी बहुत सारे लोग कहते थे कभी भी कामयाब नहीं होगी ये लोग झूठ बोलते हैं ये ऐसे बैठे हैं आज देख लो आप लोगों के ताउन से अल्लाह ताला ने हमारी तहरीक को कामयाब किया ठीक है लोग हमारे जो मुहालिम लोग थे हुकूमत थी यहाँ पर जो टॉप थे उन लोगों ने हमेशा हमारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है आज देख लो वो लोग उन्हें कहाँ रखेंगे इस सवाल को क्या जवाब देंगे आप लोगों का
आवाम के हकूक के लिए यहाँ पर हमेशा साथ देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग मुहावरा करते थे, कितने लोगों ने मुहावरा की, कितना हमारी तहरीक को नुकसान पहुंचाया, हम डटे रहे और ये अवामी हकूक की बात थी और अल्लाह के साथ हम कर रहे थे। आज देख लो अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, सियाने नाकामी जी यकीम होनी है कामयाबी ने सौ बाप होने, इस वास्ते इसने बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों यार जो काबुल किया अल्लाह खुश रखे सारे कामयाब आ गए सारा कुछ बहुत बहुत गुजारिश है भाई मजीद भी फ्यूचर वास्ते प्लीज इस तरह ही साढ़े नाल करो इन्होंने तामुल करो हर तरीके नाल ये सारे का मसला कोई एक कल्ले का मसला नहीं है बहुत बहुत छह दिन गुजारे मैं उनको विराज तहसील पेश करता हूँ आजाद कश्मीर के अंदर जिस तरह आजाद जम्मू एक्शन कमेटी और आज मैं समझता हूँ कि एक्शन कमेटी जितनी भी आजाद कश्मीर के अंदर थी उसकी नीयत साफ थी। अल्लाह का फरमान है जो कौम अपनी नीयत साफ रखती है मैं उसकी जदोजहद को कामयाब करता हूँ। मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं तमाम एक्शन कमेटी के मेहमान को चौधरी शरीफ साहब को और तमाम एक्शन कमेटी के मेहमान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और खड़ा गया तहसील भी पेश करता हूँ जिस तरह आपने नाम का समय में इस गर्मी में सर्दी में आपको कितने भी खराज जैसे पेश करो आपका मैं क्या मैं इस शोर से मैं गुजारिश कर चौधरी नवीद साहब की स्टेज पर कोई इतना मसला नहीं है ना सौंपे हो सारे कामयाबी है सब दोस्तों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं छोटा तहरीक के जम्मू जो हमारी तहरीक में मुजफ्फराबाद के हमारे मुजफ्फराबाद से लेकर पिंबर तक जो भी नौजवान शहीद हुए उनकी अकीदत अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और ये उनकी कुर्बानी की वजह से आज हमें ये कामयाबी मिली है। इसके बाद मैं मुजफ्फराबाद वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में उन्होंने अपना बड़ा भाई होने का और दारकूमत होने का फर्ज अदा किया है। इसके बाद मैं कुछ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे काफिलों को उनकी खाने पीने का इंतजाम किया, रिहाइश का इंतजाम किया, पूछ वालों आपकी अजमत को सलाम। इसके बाद मैं सबसे पहले जो हुकूमत वक्त और हुकूमत पाकिस्तान ने टेस्टर लगाया था डडियाल के आवाम पर
और वो ट्रस्टर में नाकाम हुए और उनको वहां पर मुंह की खानी पड़ी और डड़ियाल मकबूल पर शहीद चौक में वो डीसी की तंबी आज भी लटकी हुई है जहां से उनको मुंह की खानी पड़ी। इसलिए मैं उनको डड़ियाल की मयूर आवाज को सलाम पेश करता हूँ कि सबसे पहले तहरीक का आवाज डड़ियाल से हुआ। इसके बाद मैं तमाम जो हमारे चकसवारी के नौजवान ताजर और जितने भी हमारे नौजवानों ने हमारी इस तहरीक में साथ दिया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कोई एक मेरी एक फर्द बात की नहीं है, ये एक्शन कमेटी चकसवारी की कामयाबी नहीं है, ये आप सब लोगों की कामयाबी है। इसमें हर एक इंसान का किरदार अदा है। ये आप सब लोगों की कामयाबी और आप सब इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फिर खसूस जिसमें चौधरी नवीद अजीब अंबर साहब, उसके बाद राजा असगर साहब, शायद शहबाज साहब, उसके बाद शोएब ख्वाजा एडवोकेट साहब और मेरे बड़े भाई शहबाज उद्दीन साहब ने हमें उतरा दिया। उन्होंने कहा कि ये राय हक है, तुम हक पर रहो, सच पर रहो। हम शहबाज होकर चकसवारी की मेंबर से लेकर मुजफ्फराबाद तीन डिवीजन तहसील के लोगों के हकूक के लिए जिसमें हमारे हकूक की जंग लड़े थे, आज ये जंग आप सब लोगों के सामने है। आप सब लोग कहो कि यह जंग हमें इसमें कामयाबी हुई है। इसमें ये शराबिया, ये एमएलए, ये मिनिस्टर, ये मिनिस्टर और वो हमारा वजीर आजम नहीं, वजीर आजम है, वह जलील आजम है जिसने हमारे नौजवानों को शहीद किया, जिसने पाकिस्तान से रेंजर मंगाई और बाप ने कहता है मुझे तो नहीं मालूम रेंजर किधर से आई है, तेरे बाप ने मंगाई है। और वो कहता था कि ये कश्मीरियों में अब दम नहीं रहा, वो कहता था कि तुम्हारे बाबा जाना के ग्वाला बंद करेंगे। ओए देख, ग्वाला भी बंद हुआ, मंगला भी बंद हुआ है, डिम्बर से लेकर मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद तक एक एक शहर, एक एक डिवीजन, एक एक म्यूनिसिपल कमेटी बंद हुई है। और एक दिन पहले तुम हमें बड़ी पत्थर मारे थे और दूसरे दिन जब तुमको मालूम हुआ कि इतनी रुकावटों के बावजूद, इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद 4,20,000 अफराद इस कश्मीर की गयूर माओं के दलेर बेटे मुजफ्फराबाद तक पहुंचे, तब उसका होश की जब उसके अंकल को ठिकाने आई और फिर बाप ने माफियां भी मांगी। लेकिन तुमसे हिसाब होगा। और कर्नल वकार नूर, तुमने हमारे नौजवानों पर फायर करवाए, तुमसे भी तुम्हारी लीक उतारी जाएगी। और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इधर हमारे इन गाजियों को, ये जो हमारे हीरो हैं चकसवारी के वाहन, मैं आपसे वादा करके कहता हूँ कि आप कभी भी इनका कर्ज नहीं उतार सकोगे, ये आपके ऊपर आपको मकरूज। अस्सलाम वालेकुम सफल होगा, बहुत शुक्रिया कितना साथ दिता है। और आज उस साथ देने तारीख पर कितना कामयाब हुई है और इस कामयाबी असा बड़ी चकसवारी आवाम ने सिर पर और जो कुछ इस इंतजामिया किया है उसके बीच बिल्कुल असा भरपूर मजम्मत करने और अगू वास्ते भी आने कि आवाम ने जदोजहद है जी उसी नहीं रोकना चाहना, अपने हक वास्ते अगर आवाम लिखनी है तो उसका भरपूर साथ दो और ये तकीन हो कि उसने भरपूर साथ देने एक कले इंसान न एक दो बड़े और यारह बने जाने और यारह के खिलाफ रखा नहीं जाना, उस जगह पर हर चीज का मुतालबा जो है मंजूर हो जाना और लोग कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सारे रिक्वेस्ट कर सा जिचे जिया सारे मुतालबे सारे नहीं कबूल करने इचर जिया जो जैद जारी रखे और अपने हौसले बुलंद रखे जिचे जिया हौसले बुलंद कदम भी ना सोचो कि तुम जेला या थाने कोई सजा दे सकें जिचे जिया मौत नहीं दो तुम्हारी कोई बंदा कुछ भी नहीं आखी सकता और उसकी जिंदा मिसाल अखने खाने सामने चल दे। सबसे पहले चकसवारी के बुजुर्गों की नौजवानों की दोस्तों की पार्टी तरफ अस्सलाम वालेकुम।
आज असा की बड़ा फखर होया कि ऐसा एक तहरीक चलाई सी चंद साथियां मिली गए गिनती ने चंद साथियां सफर बड़ा कठिन सी बड़ा मुश्किल सी अल्लाह ताला ने भरोसे पर असा ये तहरीक नहीं चलाया इस तहरीक को असा कायम कढ़िया दोस्तों यारा भी दसिया कि तुसाने हकूक क्या है तुसा अपने हकूक नहीं जंग लड़ो किसरा तुसा पर ज्यादा लिया जुल्म हो गया है अज अलहमदुलिल्लाह ये जी कामयाबी हासिल हुई है ये सिर्फ एक्शन कमेटी की कामयाबी नहीं है ये पूरी चकसवारी की कामयाबी है पूरे आजाद कश्मीर की कामयाबी है तो ये कामयाबी सिर्फ ता हासिल हुई है कि ऐसा सारे इतफाक की ताब है पूर्व बने साजिश की सी है नाकाम करने उनकी तकलीफ बनी सी लेकिन अल्लाह ने साथ असाना बड़ा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह आज सब तभी की जो कि ये तारीख किस तरह कामयाब हुई है दोस्तों दोस्तों यारा ना इस तरह तामन लिया इंशाल्लाह इसने कोई अमल तामन भी हो सी ये ना समझन ये तारीख खत्म हुई है बिल्कुल तारीख खत्म नहीं हुई अजय इस तरह बड़ा लंबा टाइम है असा हर किस्म की सजा बर्दाश्त कर सकते हैं लोगों से कराया कि बच्चे हो जाए फलाना सी जेल हो जाए सी खुदा गवाह है कि जिंदगी के सही उसी का ये शेर चकसवारी के शेर ये तो सब प्रावानी तो फीक ना तो ये प्रावानी तो भाग ना जो तो जेल जाए आज ये सारे कामयाब हो गया सारे तो सही जाना कि प्रावान की मुबारक बात हो गया टाइम बड़ा है गर्मी भी है सारे तो प्रशंसा आपने खराब में जार करन ये भी जटी तक बैठे रहे सब तो पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना कि जड़ी भी असा जदोजहद की है तुसा नाल नाल खते रहे हो कदे भी तुसा की पीट नहीं दसी असा भी तुसा ना माण नहीं कमाया असा भी तुसा नाल नाल रहा तको ये जड़ी तहरीक है ना इस दो बड़े सबक सिखाए ने की एक तो इस जितने भी पूरे आजाद कश्मीर के अंदर सहूलतकार सन उनकी तो बिल्कुल नजरिया कर रखी हो सहूलतकार सन उनकी नजरिया की तस और सब तो बड़ी चीज कि अस की सबर का मजारा भी करना पाया अस की सबर का दर्स भी दिता और यह भी दर्स दिता कि अगर आवाम कच्ची हो गए तो आवाम सब तो बड़ी ताकत है इस तू अगे कोई भी ताकत नहीं है और जो भी कोई है और जिस तरह का भी है वह आवाम अगर नहीं खेली सकता आवाम सब नाल बड़ी ताकत है और इस तारीख इस चीज की सब तरीका शो है असा बिल्कुल भी जो पंच कमरे सियासतदार इनकी बिल्कुल भी ना मने जो ठंडे ठंडे फैसला कर रहे हैं इनकी तो बिल्कुल भी ना मने इनकी तो चौको चुनाया पर नंगा ना किया ऐसा तो ना बताई शो है जब तक कि मुतालबा सारी जदोजहद तब तक असरा इस चकसवारी की आवाम इस पूरी आजाद कश्मीर की आवाम वादा है कि जो भी एक्शन कमेटी ना कोई भी मेंबर कदे भी नहीं सहनगा कसम चाहता रहा दस महीने और सिर्फ सोचा कि आवाम असर ना बड़िया तोड़पात रखिया अगर उन्हें तोड़पात ना पूरी हुई जिस तरह के पहले भी तरीका चलिया उन्हें सहूलतकारी हुई है और सहूलतकारा आज भी और लास्ट टाइम तक असर तक टाइम जारी रखी है असर जो है मंगला थाने पर पहुंचाया साथी तौर पर एक बड़ा सहूलतकार आया उसकी मैं सहूलतकार अफसा जरा होल डिस्ट्रिक्ट बार का सदर है जिस तरह जो है शकील मिगी पागल समझना त्रै दिन पहले तू उधर पेदे किसी की झोली पेदे तू फैसले कर रहा है तू असल फैसले कर रहा है अवाम के फैसले अवाम के सामने हो सर और चौक चुराया हो सर बंद कर दे फैसले अच्छा ना मन है ऐसे सहूलतकार है आप ये सहूलतकारियां जारी रखें उसमें की बड़ा हो गया कि फायदा आप चलो
फलाना बंदा फलाना पे मैं ना बाबा तुसें ये गल और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करना जॉइंट एक्शन कमेटी ने तमाम मेंबरान और बिलखसूस मैं टोडियाल नौजवाना ना शुक्रिया अदा करना वा जिन्होंने पूरा जिला मिलपा और पूरा आजाद कश्मीर मकरूज है इस पूरी तहरीक ने अंदर मैं कोई फिक्र ना की गर्मी बुआ मेहरबानी तमाम लोगों का फिर एक बार शुक्रिया ए ना समझे कि असा कहा ले गया जब तक जिले भी सारा कोई ज्यादा हो सी असर बुआ करता सी इंशाल्लाह लजी प्यार आया रात आवे असा सारा अत तो लोगों की गल पाने बाजार के अंदर बड़िया बड़िया खाना मारने लगे कुछ अच्छा बाटा लाई होने बड़ी मेहरबानी।